हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वन का सेकंड पार्ट है। तो हम इसके लिए पहले उस मेथड के डिटेल्स पढ़ रहे हैं। हमने लिखा है x b1 upon b2, c1 upon c2, a1 upon a2, b1 upon b2। ये सारा लिखने के बाद इस सेस को मल्टीप्लाई, इस सेस को, फिर c1 a2 को c2 a1 और a1 b2 b1 b2, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमारा आ गया। अब मैं इसको डायरेक्ट सीधा कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूं। ये वाला स्टेप फाइनली कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे x अपॉन, याद रखने के लिए ऐसे, तो x के नीचे सिर्फ bc माइनस bc ही लिखना है और आ गया 12, तो 12 का मतलब इधर 21। वैसे जैसे y लिखा, y लिखेंगे तो y में आ गया ca, देख लो bc आया पहले, c के बाद a आता है याद करने के लिए, और a के बाद क्या आता है, a लिखोगे फिर भी माइनस ए। दोबारा से 12 21 12 21, नीचे हुए वाले क्वेश्चन की जैसे एज इट इज आ गया हमारे पास सारा की। हम अब यही वाला फॉर्म डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब हम सेकंड क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, वो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करना है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हम राइट कर लेते हैं, हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। हमने क्वेश्चन राइट कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन में पहले रीअरेंज करेंगे, जो ये वाला इक्वेशन है इसको 5 को पतली साइड लिख के 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गए, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू माइनस 5। वैसे ही a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 एंड c2 की वैल्यू माइनस 8। दोबारा से हम राइट करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2/3 एंड 1/2 एंड 5/8 माइनस का, ये कोई भी बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आंसर होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम मेथड कौन सा लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे हैं तो हम सिर्फ लास्ट के जो पॉइंट थे वही छोड़ेंगे, बाकी मिटा देंगे, हमें बस ये सेंटर वाले पॉइंट चाहिए a1 b2 के। हर एक क्वेश्चन में जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ही लगाएंगे। मैंने इधर जैसे लिख लिया, x की वैल्यू थी क्या बताई मेरा लिखना पहले, bc माइनस bc, तो 12 21। y लिखा, c के बाद क्या आता है, a c a c a, 12 21। वन लिखा तो ए के बाद ए बी ए बी ए बी 1 2 2 1। अब इसके वैल्यूज डाल देंगे सारे के सारे, हमारे पास एक्स b1 c2 है तो b1 की वैल्यू 1 आती है और c2 की वैल्यू 8। जब भी 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, तो ओके वैल्यू डाल के निकलते हैं अलग अलग से। एक्स लिखा, b1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू माइनस का 8, माइनस b2 की वैल्यू क्या है 2 और c1 की वैल्यू क्या आ रही है इधर माइनस का 5। x सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास माइनस 8 आया प्लस का 10 आ गया, तो x ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। हमारे पास y की वैल्यू डालते हैं, y c1 की वैल्यू माइनस 5 राइट कर लिया, a2 की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस c2 की वैल्यू माइनस 8 है और a1 की वैल्यू 2 है, तो y भी सॉल्व कर लेते हैं, ये y अपॉन माइनस 15 प्लस 20 सॉरी 16 ही आएगा, 8 2 16 आता है।
एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेता हूं पहले, स्पेस नहीं आगे तो वाई की वैल्यू वन। इस वाले को मैं दोबारा सॉल्व करूंगा मिटा के, इस वाले को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं इधर। सब लोगों ने जगह बची तो यहां कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं। वन ए वन की वैल्यू टू आती है और बी टू की वैल्यू दोबारा से टू ही है, माइनस ए टू की वैल्यू थ्री, ए टू की वैल्यू थ्री और बी वन की वैल्यू वन। तो हमारे पास आ गया इसका आंसर 4-3 दैट इज वन इक्वल्स टू वन। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे ये वन आता है और वन आता है। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई एक्स वाई और ये आई, तो मैं जो एक्स अपॉन वन ये राइट छोड़ रहा हूं, बाकी सारा मिटा रहा हूं। अब मेरे पास एक्स अपॉन टू वाई अपॉन टू इक्वल टू वन आ गया। मैं कंपेयर करूंगा सबको टर्न बाय टर्न, मैं लास्ट वाले वन के साथ कंपेयर कर रहा हूं। एक्स ये वन आया, एक्स की वैल्यू जब क्रॉस हुई तो ये टू, वाई की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे y upon 1 equals to 1, y आंसर 1 आया, x का आंसर 2 आया और y की वैल्यू 1 आई। तो हमारे पास अब ऐसे वाले दो क्वेश्चन और रहते हैं, उन दोनों क्वेश्चन में देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई लगता है कि नहीं लगता है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट में आ गया 3x-5y = 20। इसका दूसरा इक्वेशन है 6x-10y = 40। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है x-3y-11 = 0 एंड 3x-3y-50 = 0। ये हमारे दो क्वेश्चन रह गए, ये आप लोगों का होमवर्क है। थैंक यू।